दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस से कोई औपचारिक बात नहीं हुई है, लेकिन अगर ऑफर आया तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। गठबंधन को लेकर हां ना के बीच एक और नई बात आई है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं देश भर में गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, दिल्ली में क्या क्या स्थिति होगी ये इस पर बात करने के लिए संजय सिंह राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। संजय जी, स्थिति क्या बनने वाली है दिल्ली में? देखिए, अभी उनका जो बयान आया है उसके बाद हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और क्या तय करती है हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी, फिर आपको जानकारी देंगे। संजय, सवाल एक और है कि स्थिति, क्योंकि आप लोग लगातार कहते रहे कि कांग्रेस ही मजबूत भाजपा की बी टीम है, ऐसे में गठबंधन हो पाएगा क्या उनसे? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि क्या भाजपा को रोकने के लिए हम सारे लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं और राज्यों में भी क्या स्थितियां बनेंगी, उन सारी बातों को देखते हुए कुछ देखेंगे, जो तय होता है आपको बताएंगे। डिस्कशन का मुद्दा आप, क्योंकि अब अरविंद से भी मिलेंगे, डिस्कशन का मुद्दा क्या सिर्फ दिल्ली होगा या अन्य राज्य जिसमें हरियाणा और पंजाब में भी आप लोग? जो भी फॉर्मूला तय होगा, जो भी बातचीत होगी, वो आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कोई औपचारिक बात अभी तक आप तक पहुंची है कहीं से? नहीं, औपचारिक बात कोई किसी बात की नहीं पहुंची। कब तक आप लोग इस पर स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है? अभी मिलेंगे जाके, फिर जो तय होता है बताते हैं जी। तो संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी औपचारिक बात कोई नहीं हुई है, मीडिया में आए बयानों पर अभी वो बातचीत जो है वो आगे करेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से और उसके बाद ही इस पर कोई आगे फैसला लिया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।